अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और साथ ही इस वीडियो को जो है ना अंडरस्टैंड करने के लिए, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी स्टेप स्किप मत करना, नहीं तो वीडियो कंप्लीटली आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये कोई भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ये उसका जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कोई भी जनरल फॉर्म है, यानी हम इस तरह जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर, ये जो ए है ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये जो बी है ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, प्लस ये जो सी है ये कांस्टेंट टर्म है, यानी इस जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल एक है, एक्स एक वेरिएबल है, और जो है ना ये उसका स्क्वायर का टर्म है, ये एक्स का ओनली टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, और इसमें एक कंडीशन है कि ये इक्वेशन जो है ना क्वाड्रेटिक है, ये कब तक क्वाड्रेटिक होगी, तो ये है कि जो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो हो गया तो ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए जो ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का टर्म है ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो हो गया तो ये एक्स स्क्वायर का कंप्लीट टर्म ये जीरो हो जाएगा और ये बी एक्स प्लस सी हो जाएगा और ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। डेफिनेशन है, आ इक्वेशन विथ हाईएस्ट डिग्री टू विथ वन वेरिएबल, यानी इक्वेशन जिसकी जो वेरिएबल की जो डिग्री है वो टू हो, एक वेरिएबल हो, वेरिएबल एक यूज हुआ और जो हाईएस्ट डिग्री है वो टू हो, तो ये देखें ये एक्स जो है एक्स स्क्वायर या और ये एक्स, यानी जो इसकी हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जो वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट वो 2 है और एक ही हाई वेरिएबल है। मेथड्स के कितने हैं सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां जो है ना 3 मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कंप्लीट स्क्वायर बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ जो खुद के टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं, शॉर्ट्स जिनसे जिनको हम फॉलो करेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, यानी हम इन 4-5-6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर जो है ना आगे सॉल्व करेंगे। तो मेथड्स टू सॉल्व कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिस्कस करो। पहले राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जो भी इक्वेशन गिवन हो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, ये जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में हमें जो है इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, यानी कोई भी इक्वेशन गिवन हो हमें इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर का टर्म बी एक्स का टर्म यानी एक्स का टर्म कांस्टेंट का टर्म एक साइड और जो जीरो है वो दूसरे साइड हमें रखनी पड़ेगी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इक्वेशन को रखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है डिवाइड बोथ साइड
टू इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो जो भी कोएफिशिएंट हो एक्स स्क्वायर का उससे हमें जो है ना बोथ साइड ऑफ इक्वेशन डिवाइड करना है। बोथ साइड ऑफ इक्वेशन हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे। तो एग्जांपल यहां देखिए, यहां जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो है ए, तो हम जो है ना ये इस ए को जो है ना कंप्लीटली इक्वेशन इससे भी और जीरो से भी डिवाइड करेंगे, जीरो से भी और इस कंप्लीटली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। दूसरा स्टेप ये है और तीसरा है शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम जो है ना राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो ये सी है, ये हम जो है ना राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए, क्योंकि ये सी जहाँ प्लस का है राइट हैंड साइड वो नेगेटिव का हो जाएगा, और ये जो हम एक्स स्क्वायर का हमने जो टर्म डिवाइड किया था वो ये ए तरीका है। चौथा स्टेप है एड वन अपॉन टू मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वन अपॉन टू को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर को जो है ना बोथ साइड इक्वेशन में ऐड करना है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को वन अपॉन टू से हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसके उस रिजल्ट को हम स्क्वायर करेंगे वो जो रिजल्ट आएगा उसे हमें जो है ना इक्वेशन के दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसका कर लेते हैं, यहाँ ये देखिए वन अपॉन टू हमने जैसे रखा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो बी ओवर ए मल्टीप्लाई बी ओवर ए होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ये टू का स्क्वायर फोर ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर हमें जो है ना कंप्लीट इक्वेशन में जो है ना ऐड करना पड़ेगा। हम इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन है हम इस इक्वेशन में जो है ना ये बी स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर ऐड करेंगे। पांचवा है राइट है राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एज अ स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड, यानी अब जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस ये हम ऐड करेंगे, ये हमने ऐड किया बी स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हम ऐड करेंगे माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर हमने दोनों साइड ऐड किया। अब जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और इसे हम जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर, यानी इसे हम जो है ना इसकी हम एलसीएम लेंगे और इसे हम जो है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। छठा है टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन देन सॉल्व फॉर एक्स, यानी जो बोथ साइड इक्वेशन है उसका स्क्वायर रूट हमें लेना पड़ेगा और फिर जो है ना एक्स का वैल्यू हमें वहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू सेवन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे हम जो है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे सॉल्व करेंगे। तो हम ये सिक्स स्टेप्स फॉलो करेंगे और इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप दूसरा और जो तीसरा स्टेप है वो ऑलरेडी कवर्ड है, यानी पहले से ही वो इस इक्वेशन में कंप्लीट है, इसीलिए हम जो ना वो तीन स्टेप सॉल्व नहीं करेंगे। पहले राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो,
ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है डिवाइड बोथ साइड टू इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से हम इस इक्वेशन को जो है ना सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक है, हम इसे एक को इक्वेशन एक वन को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो है ना दूसरा स्टेप भी कवर्ड है इस इक्वेशन में। तीसरा है शिफ्ट कांस्टेंट फ्रॉम टू राइट हैंड साइड, ये जो कांस्टेंट है ये भी जो है ना राइट हैंड साइड है। इसलिए तीन स्टेप्स इस इक्वेशन के जो है ना पहले से हल हैं, सॉल्वड है। इसीलिए जो है ना हम फोर्थ स्टेप से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप है एड 1/2 एंड टू मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, यानी 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के कोएफिशिएंट से और उसको जो है ना उस कंप्लीट रिजल्ट को हम स्क्वायर करेंगे। तो हमने ये किया, ये 1/2 हमने ये सेम रखा, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो -6 है, ये -6 हमने सेम रखा और स्क्वायर किया। तो ये 2 का टेबल -6 के ऊपर -3 टाइम्स और -3 का जो स्क्वायर होगा वो 3 होगा, वो 9 होगा, और 9 को हम जो है ना बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ऐड करेंगे। तो ये हमने एक्स स्क्वायर माइनस इस इक्वेशन को हमने ये ऐसे लिखा, ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 और एक्स, यानी एक ए स्क्वायर माइनस 2 ए, ये हमने ए रखा एक्स का टर्म, बी हमने ये 3 रखा, यानी इसको हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा, और इसको हमने जो ना स्क्वायर में कन्वर्ट किया और 2 ए बी ये हमने सेम रखा और 3 स्क्वायर ये हमने सेम रखा, और जो है ना 7 ये पहला है और ये 9 हमने उसमें ऐड किया। तो हमें रिजल्ट अब तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 और 9 को ऐड करेंगे 16 हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ। अब जो है ना ये स्क्वायर में है, हमें इस इक्वेशन को स्क्वायर में लिखना है। पांचवा स्टेप है राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एज स्क्वायर, यानी ये जो इक्वेशन अब हमें ऑब्टेन हुई ये एक जो है ना स्क्वायर फॉर्म में है। अब हमें स्क्वायर फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है, तो वो है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी हमें ये जो इक्वेशन है ये हमें इक्वेशन है ये हमें ए माइनस बी फॉर्म में लिखनी है। इस कंडीशन में जो है ना हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें इस कंडीशन में ये इक्वेशन रखनी है, ये इक्वेशन हमें जो है ना ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में रखनी है। तो जो है ना ए माइनस बी हम रखेंगे, ए एक्स और बी ये माइनस में बीच में माइनस है, माइनस 3 होल स्क्वायर हमने ये सेम रखा, और 16 ये परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसको 4 स्क्वायर में लिखेंगे। अब जो है ना हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, यानी बोथ साइड ऑफ इक्वेशन हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर होल रेडिकल इज इक्वल टू ये प्लस माइनस ये 4 होल रेडिकल, यानी ये स्क्वायर रेडिकल को कैंसिल कर गया और ये भी स्क्वायर रेडिकल को कैंसिल आउट कर गया। अब जो है ना हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन हुई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी एक्स माइनस 3 के साथ हम एक जो है ना प्लस का 4 रखेंगे, ये प्लस का 4 और एक्स माइनस 3 के साथ हम जो है ना एक माइनस का 4 एक प्लस का 4 रखेंगे। ये हमने रखा x माइनस 3 इज इक्वल टू ये प्लस का 4 हमने रखा और ये x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 4 हमने रखा। तो ये माइनस 3 राइट हैंड साइड ये प्लस का हो जाएगा, तो हमने इसे प्लस में शिफ्ट किया, x इज इक्वल टू 3 प्लस 4, x इज इक्वल टू हम ऐड करेंगे 3 और 4 को तो 7 हमें ऑब्टेन हुआ, और ये x 3 जो है ना माइनस का है
और इसे हम जो है ना राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमने एक्स सेम रखा, ये थ्री प्लस का और ये फोर सेम हमने रखा माइनस का फोर, तो हमें एक रिजल्ट ऑब्टेंड हुआ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमें सॉल्यूशन से ऑब्टेंड हुआ माइनस वन और सेवन, यानी इन सिक्स स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बायफैक्टराइजेशन, दूसरा है बायफैक्टराइजेशन, यानी कैसे हम जो है ना अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है ना फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस फाइव हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम कैसे जो है ना इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, हमें जो है ना वो फाइंड आउट करना है। यानी हमें फैक्टर्स जो दो हमें इसके जो है ना मिडल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, यानी जो है ना ये मिडल टर्म है माइनस एक्स एक्स, हमें इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करना है। हम दो फैक्टर्स फॉर एग्जांपल मैं ब्रेक कर देता हूँ, टू एक्स माइनस फोर एक्स ये एक फैक्टर, यानी ये दो फैक्टर्स हो गए, टू एक्स एक फैक्टर और फोर एक्स दूसरा फैक्टर। सेम फोर सिक्स एक्स को मैं दूसरे किसी भी फैक्टर में डिवाइड कर देता हूँ, माइनस फाइव एक्स माइनस एक्स। अब हमें मालूम कैसे हो कि जो है ना इसमें से कौन सा फैक्टर राइट है? तो जो है ना ये माइनस एक्स एक्स ये मिडल टर्म, मिडल टर्म को हमें कैसे मालूम करना है कि ये इन दोनों में से कौन सा फैक्टर ये राइट है? तो हमें जो है ना दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करनी पड़ेगी, यानी जो मल्टीप्लीकेशन इन दोनों की हमें अटेंड हो या अटेंड हो वो इक्वल होनी चाहिए एक्स स्क्वायर और फाइव की मल्टीप्लीकेशन की, यानी फाइव को हम मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के साथ तो फाइव एक्स स्क्वायर हमें इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन अटेंड हो। अगर मल्टीप्लीकेशन यही ऑब्टेन होती है तो ये फैक्टर करेक्ट है, नहीं तो ये रॉन्ग है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, टू को मल्टीप्लाई करेंगे फोर के साथ एट, एक्स को एक्स के एक्स स्क्वायर, यानी हमें जो मल्टीप्लीकेशन ऑब्टेन हुई वो एट एक्स स्क्वायर, जो करेक्ट मल्टीप्लीकेशन हमें ऑब्टेन होनी चाहिए वो थी 5x स्क्वायर, यानी हमें 8x स्क्वायर ये रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन ऑब्टेंड हुई। दूसरा ही हम इन दोनों को ऐड करें, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें एडिशन जो ऑब्टेंड हो वो माइनस एक्स एक्स, यानी मिडल टर्म हमें एडिशन में ऑब्टेंड हो। तो एडिशन में तो हमें जो है ना मिडल टर्म ऑब्टेंड हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में जो है ना हमें 5x स्क्वायर, यानी ये एक्स स्क्वायर और फाइव, यानी फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म में इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो है ना कांस्टेंट टर्म यानी लास्ट टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन हमें ऑब्टेन हो, जो फैक्टर्स की जो हमें मल्टीप्लीकेशन ऑब्टेन हो वो ऑब्टेन हो फाइव एक्स स्क्वायर, और जो एडिशन ऑब्टेन हो वो माइनस एक्स एक्स यानी मिडल टर्म है। तो हम इस फैक्टर को चेक करते हैं, इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के साथ तो प्लस हमें ऑब्टेन होगा, फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे इस वन के साथ तो हमें फाइव ऑब्टेन होगा, एक्स का पावर इस एक्स के पावर में ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर, यानी हमें जो मल्टीप्लीकेशन ऑब्टेन हुई वो फाइव एक्स स्क्वायर ये सेम हुई, और इससे ऐड करें माइनस फाइव एक्स और माइनस एक्स को तो हमें सिक्स माइनस सिक्स एक्स में मिडल टर्म ऑब्टेन होता है, यानी ये जो दोनों फैक्टर्स है ये माइनस फाइव एक्स और माइनस एक्स ये जो है ना अप्लाई हम कर सकते हैं इस माइनस एक्स एक्स को जो है ना ब्रेक डाउन करने में। तो ये हमने सेम रखा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, हम इस दो फैक्टर्स में से जो है ना कॉमन निकालेंगे, फिर इस दो फैक्टर्स में से कॉमन निकालेंगे,
इन दो फैक्टर्स में हमें x का मान निकल रहा है, तो हम ये हमने ये x का मान लिया और x बाहर आया तो x यहाँ रह गया और माइनस सेम और x बाहर आया तो यहाँ 5 रह गया। इसमें से जो ना माइनस वन का मान निकल आया तो ये माइनस का जो था वो प्लस का ये हो गया, और जो है ना ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे ये माइनस का 5 हो गया, यानी प्लस का 5 था ये माइनस का 5 हो गया। अब जो है ना ये दोनों ब्रैकेट्स जो है ना ये कॉमन होंगी, ये हमने ये कॉमन लिए दो, ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन हो, ये एक ब्रैकेट बाहर आ गई और ये x माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अब जो है ना हमें इन दोनों फैक्टर्स को जीरो को इक्वल लेना है, तो हमने ये लिया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x ये 5 इक्वल की दूसरी साइड आएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 और 1 ये राइट हैंड साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। हमें अपटे दो x इज इक्वल टू 1, यानी सॉल्यूशन से हमें अपटे दो 1.5, यानी ऐसे हम जो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तीसरा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, जो हमें जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यानी ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हमें हुए हम जो है ना इस हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमें कैसे मालूम हो कि जो है ना ए बी सी का वैल्यू जान कौन सा होगा इस इक्वेशन में, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ये जनरल टर्म है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो टू ए होगा, तो ए जो ए का वैल्यू है 2 है, बी का जो कोएफिशिएंट एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो बी होगा, यानी बी का वैल्यू माइनस 7 और सी यानी कांस्टेंट टर्म, तो सी का वैल्यू है 6। अब इस फार्मूले में हमें वैल्यू पुट आउट करना है, तो ये माइनस फार्मूले की हमने सेम रखी और माइनस 7 बी का वैल्यू, प्लस माइनस फार्मूले की हमने सेम रखी, रेडिकल फार्मूले का हमने सेम रखा और माइनस 7 होल स्क्वायर ये बी का वैल्यू और माइनस 4 माइनस 4 फार्मूले की ये हमने सेम रखा, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 6 ओवर 2 फार्मूले का और ए का वैल्यू 2 हमने 2 है ये हमने सेम रखा और एक सामने सेम रखा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हमने सेम रखा और रेडिकल हमने सेम रखा, माइनस 7 का होल स्क्वायर 49 हमें ऑब्टेन होगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ हमें 48 ऑब्टेन होगा, ओवर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ हमें 4 ऑब्टेन होगा, x से हमने रखा 7 प्लस माइनस 49 से 48 सब्ट्रैक्ट होगा, ये रेडिकल में 1 हमें ऑब्टेन हुआ, ओवर ये हमने 4 से रखा, अब जो ना 1 का रेडिकल जो ना 1 ही होता है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसीलिए 1 का रेडिकल 1 हमें ऑब्टेन हुआ, 7 प्लस माइनस 1 ओवर 4 ये हमने रखा। अब जो है ना 1 एक 7 के साथ प्लस का रखना है और दूसरा 1 7 के साथ माइनस का रखना है, फिर जो है ना हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, ये एक सामने से रखा 7 प्लस 1 ये हमने रखा ओवर 4 रखा और x ये सेम रखा 7 माइनस 1 यहाँ हमने रखा और ये 4 हमने सेम रखा। अब जो है ना हमें 7 और 1 को ऐड करना है, हम 8 ओवर 4 और 4 का टेबल 8 के ऊपर 2 टाइम ये हमने 2 रखा और जो है ना 7 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 6 हमें ऑब्टेन होगा और 2 का टेबल 4 के ऊपर 2 टाइम और 6 के ऊपर 3 टाइम यानी 3/2 हमें ऑब्टेन हुआ, सॉल्यूशन से हमें 2 का मान 3/2 ऑब्टेन हुआ। ऐसे ही हम जो है ना
क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो।